और मैं यूपी उरई के एक छोटे से गांव से ब्लॉग करती हूँ जिसका नाम है पिपराया। शायद किसी ने नहीं सुना होगा, उरई भी बहुत कम लोग ही जानते होंगे, है ना? बहुत कम ही लोग उसको जानते होंगे। तो इस सिस्टम के बारे में मुझे सडनली जानकारी मिला। उसके पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग से ऑलरेडी बहुत ज्यादा निगेटिव थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कंपनी को ज्वाइन कर चुकी थी और उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट समझ में नहीं आया। वाली फॉर प्रोडक्ट बेस में था तो मैं उस काम को बिल्कुल भी नहीं कर पाई, तो मैं बिल्कुल निगेटिव थी ये काम करने से। कंपनी से निगेटिव नहीं थी, ये काम से निगेटिव नहीं थी, बट मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। तो जैसे मुझे प्लांट शो के लिए बुलाया गया, मेरी फ्रेंड ने सबसे पहले, मैं एक बार चाहती हूँ कि मेरी जो सीनियर थी प्रेजेंट टाइम में, तो वो सिस्टम में नहीं है, छोड़ चुकी है, बट उसने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दिया। तो एक बार मैं प्लीज चाहती हूँ कि उसके लिए एक बार दिल से क्लैपिंग हो जाए, प्लीज दिल से। उसने मुझे इस सिस्टम के बारे में जानकारी दिया, आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिला और ऐसा टीम मिला कि टीम पीवी ऑलवेज नंबर वन एंड ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। तो एक बार टीम पीवी के लिए बिग हैंड क्लैपिंग। मुझे उसने इस सिस्टम के बारे में जानकारी दिया, आई बाहर बैठी थी, अंदर ट्रेनिंग चल रहा था, कोई बता रहा था प्रोडक्ट ऐसे सेल करना है, साबुन को ऐसे सेल करना है, इसकी ये बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट है। तो मैं ऑलरेडी बहुत निगेटिव हो गई थी कि ऐसा काम मैं तो देख के आई हूँ, मैं तो प्लान को सुनना भी नहीं पसंद कर रही थी। मैं सोच रही थी कि अरे यार ऐसे ही है सब कुछ और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पाऊंगी। तो मैं बाहर से जाना चाह रही थी, बट उसी टाइम एकदम से सर का एंट्री हुआ। सर थोड़ा सा लेट थे काउंसलिंग के लिए, तो सर का एंट्री हुआ। सर ने माइंडसेट दिया, घर के बारे में, कंडीशन के बारे में जाना। नॉर्मली एक छोटे से गांव से ब्लॉग करती हूँ, पापा जी नॉर्मल मजदूरी करते हैं, घर का कोई खेती वगैरह नहीं है। बैकग्राउंड की बात की जाए तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो ऐसे एक छोटे से घर की लड़की हूँ, नॉर्मल घर कच्चा घर है और उस घर की सबसे बड़ी लड़की हूँ, थोड़ी सी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। और घर की बड़ी लड़की के होने के साथ साथ एक छोटा सा भाई है, साथ में बहुत सारी जिम्मेदारी है। आज तक कभी कोई लड़की मेरे घर से इतना पढ़ी लिखी नहीं है, किसी को इतना फ्रीडम नहीं मिला, बट मेरे पापा चाहते थे कि मैं कुछ करके दिखाऊं, इस गांव के लिए इंस्पिरेशन बनूं। तो मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी मिला, मैंने काउंसलिंग अटेंड किया। अटेंड करने के बाद जब मैंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम सुना कि 15,000 मुझे इसमें पेमेंट पे करना पड़ेगा, तो सच बताऊं मैंने उसी टाइम थॉट माइंड से निकाल दिया था कि मेरी इतनी औकात नहीं है, सच बताता। फिर भी सुनती गई, पापा भी साथ आए थे। लास्ट में जब क्लोजिंग हुआ, सर ने, सर पता नहीं क्या समझ गए कि ये निगेटिव है, जो भी हो मुझे नहीं पता, सीनियर समझ ही जाते हैं किसके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सर ने पर्सनली मुझे बिठाला और मुझसे पूछा, बेटा बताओ माइंड में क्या सवाल चल रहा है। तो मैंने सबसे पहले पूछा, सर मैं अगर इसमें किसी को जोड़ नहीं पाई तो मुझे पैसा आएगा क्या, मैं सबसे सो पाऊंगी क्या? तो सर ने समझाया कि बेटा पहले सिलेक्शन पास तो कर लो, सिलेक्शन पास हो जाओगी, अगर दुनिया में कोई ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर बनी है, और अगर दुनिया में कोई प्रॉब्लम बनी तो उसका सॉल्यूशन भी जरूर बना है। तो मैंने कहा, सर हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बट मैं सक्सेस हो पाऊंगी क्या? तो सर ने बोला, हाँ बेटा बिल्कुल सक्सेस हो पाऊंगी, क्यों? क्योंकि हर एक लड़की के अंदर इतनी ताकत भरी रहती है, हर एक इंसान के अंदर इतनी ताकत भरी रहती है कि उसको अगर एक जगाने वाला इंसान मिल जाए तो वो अपनी दम से बहुत कुछ कर सकता है। तो सर ने मुझे बताया, मैंने खुद पे भरोसा किया, मैंने कहा ठीक है सर अरेंज करूंगी। सच बताऊं मैंने एक महीने तक थोड़ा सा बिलीव कम था, मैंने सोचा था कि ओनली फॉर एक महीने के लिए इस प्लेटफॉर्म में आऊंगी, अगर मुझे कुछ अच्छा लगा मैं कुछ कर पाऊंगी तो आगे करूंगी, और अच्छा नहीं लगा, कुछ मेरा नहीं हुआ तो क्या जा रहा। सर ने ओनली फॉर बोला था कि बेटा रजिस्ट्रेशन अकेले करा लो। तो मैंने कहा, जैसे मैं ऑलरेडी पहले 1,00,000 रुपए बर्बाद कर चुकी हूँ, 1,000 में मेरा कुछ भी जाने वाला नहीं है, गरीब हूँ, गरीब से ज्यादा नमक रोटी खा लूंगी, घर तो नहीं चला जाएगा, रोड पे तो नहीं आ जाऊंगी, गरीब की गरीब हूँ, हाथ इंसान ने दी, भगवान ने दिए तो हाथ तो बने रहेंगे, दोबारा करके खा लेंगे, 1,000 में कुछ भी नहीं जाएगा। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, सर ने समझाया, उसी टाइम फर्स्ट मेरा यहाँ से वो ट्रिप निकला था दिल्ली 5 स्टार होटल। तो सर ने बताया दिल्ली 5 स्टार होटल के लिए ये सारी चीजें करना है, तो मैंने दिल्ली 5 स्टार होटल भी यहाँ से अचीव किया। दिल्ली 5 स्टार होटल घूमता है, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक उरई जैसे रेस्टोरेंट में भी खाना खा के आऊंगी, बट दिल्ली जैसे 5 स्टार होटल में जहाँ एक थाली की कीमत 1400 रुपये और एक चाय की कीमत 400 रुपये, ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा के आई हूँ। साथ
बाहर से निकल के पटना अकेले गई थी। तो उस टाइम बहुत मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद था, बट घर से परमिशन नहीं था, घर वाले अलाउ नहीं करते थे। तो उस टाइम जाने का मौका मिला, ऐसे ही हॉल में हॉल भरा था, कम से कम मिनिमम मान लो 5,000 से समथिंग लोग आए थे। 5,000 के लोगों के सामने बोलते ना, जब कोई इस स्टेज पे आता है तो कोई करोड़ों की बात करता है, तो कोई लाखों की बात और करता है। तो मैंने तो कभी एक साथ में कम से कम 50,000 भी रुपए नहीं देखे। तो जब वो लड़की 50 लाख की बात सुनेगी, करोड़ों की बात सुनेगी, तो हजम कर पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। जो लड़की 2 रोटी खाती है, उसको इकट्ठा 10 रोटी दे दी जाए, तो खाएगी क्या? नहीं खाएगी। सुनना ही उसको हजम नहीं होगा। तो करोड़ों की बात सुनी है ना, करोड़ों की बात सुनने के बाद मुझे भी भरोसा नहीं हुआ। मैंने कहा सच में हो पाएगा क्या ऐसा, है ना? तो भरोसा किया, ट्रायल फॉर्म देखा, है ना, ऐसी सारी चीजें, ट्रेनिंग ली। सबसे फर्स्ट टाइम पार्थो सर का ट्रेनिंग लिया, उसके बाद वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला, सर ने समझाया, है ना। पार्थो सर से भी पर्सनल थोड़ा मुलाकात हुआ, लगा कि हाँ कोई लीजेंड पर्सन है, मुझे भी ऐसा ही आगे आने वाले टाइम में बनना है। तो उस टाइम मैंने एक थॉट बनाया कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म में कुछ तो दम है, मैं भी साथ कर सकती हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम में आई, कंडीशन आई, कभी उतार हुआ, कभी चढ़ाव हुआ, इस प्लेटफॉर्म में टीम कभी बिल्ड हुआ, कभी जूनियर से भी नेगेटिविटी मिली, कभी सीनियर से भी नेगेटिविटी मिली, बट सर हमेशा मेरे साथ रहे। बेटा कितना भी नेगेटिविटी आ जाए, भले ही घर से आए, पड़ोसी से आए, गाँव से आए, कहीं से भी आए तुम्हें, बट एक बात ध्यान रख लो, 100 लोगों में से तुम्हें और 99 लोगों की बात को भूल जाना, और देखो 1% की बात को याद रखना जो तुम्हें मोटिवेट करता है, पॉजिटिव चीज़ों को बताता है। तो मैंने उनकी बातों को फॉलो करती गई, फॉलो करते करते आज खुद से फ्रेंड्स हो करती हूँ, फीडबैक करती हूँ खुद की दम से, मिनिमम 15 से प्लस मेरा खुद का पर्सनल ज्वाइनिंग है। एंड यहाँ से गोवा ट्रिप हुआ, गोवा ट्रिप के साथ साथ यहाँ से दार्जिलिंग ट्रिप हुआ, साथ में एसपीआर मेरा ओनली 400 माइल से छूट गया था, जो कि मैं बहुत उसके लिए, मैं बोलते ना जब कोई चीज बहुत नजदीकी से छूटती है तो एक डबल मोटिवेशन आता है कि अब ये इतनी नजदीकी से छूटी है तो अब इसकी डबल छलांग मारना है। तो मैंने उसी तरफ ठान दिया था कि अब कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। आज मैं यहाँ पे नथिंग के बराबर हूँ, सुपर स्मार्ट कोई बड़ा एपिक नहीं है, नॉर्मली नथिंग के बराबर हूँ, बट मैं इस स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने कमिटमेंट करके जा रही हूँ, सुपर स्मार्ट अचीवर हूँ, बट नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी ना अपनी खुद की आईडी से, एक आईडी से गोल्ड बन के और दूसरी आईडी से सिल्वर बन के और तीसरी आईडी से सुपर स्मार्ट बन के इस स्टेज पे चढ़ूंगी, तभी मैं आज कमिटमेंट कर रही हूँ। मिनिमम इनकम करूंगी इस प्लेटफॉर्म से, मिनिमम 7 से 8 लाख इनकम मुझे करना ही करना है खुद की दम से। तो प्लीज थैंक यू फॉर, मैं यहीं पे अपनी बात को विराम देना चाहती हूँ। तुम्हारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है? मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 18 जून 18 जून 2022। अपने 8 महीने में आपका सुपर स्मार्ट हुआ, और पर्सनल ज्वाइनिंग पे जो भी दिल्ली ऑफर आया, पीपीपीएल आया, गोवा आया, दार्जिलिंग आया, सब में ही पर्सनल ज्वाइनिंग देखी है। जी सर जी। और तुम प्लान शो हर हफ्ते में कितना कर लेते हो? पर डे सर, पर डे मिनिमम एक प्लान तो होता ही होता है। 7 दिन में 7 प्लान तो करती हूँ। और तुम्हारे जो टोटल टीम का मन हफ्ते में 20-25 इनवाइट होता है, फीडबैक रहता है, मेजोरिटी कौन करता है? सर जो ओरई का जितना भी काउंसलिंग होता है या फिर जितना भी फीडबैक होता है, मिनिमम मैं ही ज्यादातर करती हूँ सर, ओनली फॉर सपोर्ट के लिए मेरे पीछे रहते हैं। तो एक बार प्लीज मैं चाहती हूँ मेरे जो सीनियर है धर्मेश सर, उनके लिए प्लीज एक बार दिल से और टीम टीम में जितने भी सीनियर है उनके लिए, एंड साथ में हमारे जो रूपक दा है सबसे कैरिंग एटीट्यूड वाले, उनके लिए एक बार प्लीज दिल से तो ये इसने खुद प्लान, तो 3 से 4 महीने के अंदर ही बिजनेस किसने प्लान जो सीख लिया, फीडबैक सीख लिए, और पर डे सीनियर मौजूद भी रहता है। पहला प्लान जो आता है तो ये